22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। शिक्षा विभाग के विभिन्न निदेशालयों और कार्यालयों में दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों का इस माह पीएफ खाते में राशि कटेगा। कर्मचारी भविष्य निधि के नियमानुसार कर्मियों का ईपीएफ खाता खोलने का शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग ने पटना उच्च न्यायालय में शपथ पत्र भी दायर किया था। निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुशील कुमार ने विभाग के सभी निदेशालयों, कार्यालयों, बीईपी सहित संस्थाओं और अकादमियों में ऐसे सभी कर्मियों के ईपीएफ खाता की अद्यतन जानकारी 26 अप्रैल को मांगा है। विभागीय सभागार में इसके लिए 26 अप्रैल को बैठक होगी, जिसमें विभागीय अधिकारी के साथ संबंधित कार्यालयों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। विभाग के सभी निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक बीईपी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, निदेशक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम के प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंधक निदेशक, बीबोस के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बीएसईबी सचिव, मदरसा बोर्ड सचिव आदि सभी से रिपोर्ट मांगी गई है।